नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 20 मई 2020 है, ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि त्रयोदशी है और वार बुधवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और 26 तारीख के रमजान माह की हिजरी सन 1441 है। त्रयोदशी तिथि रात्रि में 7:43 तक है, उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आश्विन रात्रि में 10:37 तक, उसके उपरांत भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सौभाग्य संपूर्ण दिन रात रहने वाला है। करण गर रात 6:37 तक, उसके बाद वर्णिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:40 पर और सूर्यास्त 7:06 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध वृष राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मेष राशि में आज गोचर के अंदर रहने वाले हैं। गणमूल रात्रि में 10:37 तक है और भद्रा रात्रि में 7:43 से आरंभ हो रही है। सायन जो सूर्य है वो मिथुन राशि के अंदर रात्रि में 7:20 पर राशि बदलेंगे। व्रत त्यौहार की बात करें तो प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि, वृष सावित्री व्रत आज प्रारंभ हो रहा है। शेष चौगड़ियों की बात करें तो लाभ और अमृत का चौगड़िया सूर्योदय से लेकर के 9:02 तक है। शुभ का चौगड़िया 10:42 से 12:23 तक है और चर का चौगड़िया 3:44 से 5:25 तक है। लाभ का चौगड़िया 5:25 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 12 से 1:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो पान, सुपारी, इलायची आदि का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, इससे राहु काल के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज सूर्य, बुध और शुक्र तीनों लग्न के अंदर हैं। मिथुन राशि के अंदर राहु बैठे हुए हैं, जो लंबे समय से ये स्थिति बनी हुई है व्यवसाय के घर के अंदर राहु का होना, व्यवसाय की इतने महीनों में क्या स्थिति आ गई हम देख ही रहे हैं। लेकिन बुध का स्वराशिष्ट होना अगले दिनों के अंदर, अगले कुछ दिनों बाद बुध राहु के साथ होंगे और अभी शुक्र के साथ होकर के, सूर्य के साथ होकर के, ये उन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए नियम बनाने के तौर पर यहां हो सकते हैं कि सूर्य के साथ बैठ करके उन स्थितियों का निर्माण किया जाए, जो स्थितियां आगे चल करके वो नियम बनवाए जाएं जो आगे चल करके बेहतर तरीके से व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कैसे अच्छे नियमों के तहत चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ के अंदर बृहस्पति की बुध के ऊपर दृष्टि बैंकिंग सिस्टम को आमूल चूल परिवर्तन की स्थिति को भी बनाती है। जब भी बुध और बृहस्पति का दृष्टि संबंध होता है आपस में तो ये बैंकिंग सेगमेंट और व्यवसाय के लिए बनने वाले नियमों को बदलने के तौर पर इसको देखा जा सकता है। तो हम देख रहे हैं लगातार नई बातें आ रही हैं, नए नियम आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, कैसे चीज़ों को सहज और सरल तरीके से, नई तरीके से परिभाषित हो रहा है हमारा व्यवसाय। तो उस सब की नींव रखी जा रही है यहाँ बृहस्पति और बुध की दृष्टि संबंध से। ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। जब भी आप अब बैंकिंग करेंगे, बैंक में जाएंगे, आप देखो पिछले दिनों बहुत नियम बदले बैंक के, सब कुछ आपके फोन पर आ गया है, सब कुछ आपके टेक्नोलॉजी पर आधारित आ गया है। बृहस्पति का शनि के साथ होना टेक्नोलॉजी को बहुत बदलाव दे रहा है। ज्ञान और टेक्नोलॉजी साथ आ गए, यानी कि हमारी सारी शिक्षा आप देख रहे हैं कि जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रही है। लोग अपनी क्लासेस सारा हम देख रहे हैं कि सब कुछ लैपटॉप और फोन के अंदर सिमट करके आ गया है। तो लगभग हर चीज टेक्नोलॉजी से हैंडल हो रही है। तो जो लोग इसमें कमजोर हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, जो लोग टेक्नोलॉजी को नहीं
इतने दिनों आत्मसात कर पाए, नहीं सीख पाए किन भी कारणों से, उन्हें अब टेक्नोलॉजी सीखने की बड़ी आवश्यकता महसूस होती है। आप देखिए, बहुत छोटा सा व्यवसायी जो फल विक्रेता है, सब्जी विक्रेता है, वो भी अब टेक्नोलॉजी की मदद से व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेकर के व्हाट्सएप से घरों पर सप्लाई करना या अन्य प्रकार की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं तेजी से पूरा व्यवसाय का नियम और सिस्टम बदल रहा है। बुध और बृहस्पति का दृष्टि संबंध इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। आपकी कुंडलियों, आपके कार्यों, आपके सिस्टम में ये कैसे प्रभावी हो सकता है, इस पर विचार करने का आज का दिन है। आप जितना इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, जितना इस पर ध्यान लगाएंगे, जितना इसके लिए अपना टाइम स्पेंड करेंगे या चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपकी स्थिति में इसका लाभ आप ले सकते हैं। दुनिया तो बदल रही है, आपको बदलना है नहीं बदलना है ये आपके मनोविचार और आपकी तैयारी पर निर्भर करेगा। तो जल्दी से अपने आसपास जो भी उपलब्ध साधन है उनके माध्यम से अपनी शिक्षा, अपने टेक्नोलॉजी के ज्ञान, अपने सिस्टम, अपने व्यवसाय को, अपनी व्यवस्थाओं को, अपने ज्ञान लेने के तरीके को तुरंत इसका फ्रेंडली हो जाएंगे। जितना जल्दी आप टेक्नोलॉजी टेक्नो फ्रेंडली हो जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी बेहतर स्थिति आप पालेंगे, उतना अच्छा कमांड आप सिस्टम पर पाते चले जाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।